हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पहली वीडियो में बताया था कि आरआरबी टेक्नीशियन के वेरियस पोस्ट, मैंने आपको 10,000+ सीट्स के बारे में बताया था कि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कमेंट कर रहे थे कि मैम फेक वीडियो मत बनाओ, झूठी जानकारी मत दो। तो देखिए, आपको अभी पता चल गया होगा, आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है जिसमें 10,000 तो नहीं बट हाँ 9,000 सीट्स के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है। मेरा मकसद कोई आपको गलत जानकारी या फेक जानकारी देना नहीं होता है, भले ही कुछ सीट में आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि आदमी अनुमान के आधार पर आपको बताए कि इतना सीट पर आ सकता है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप सभी को जॉब के बारे में इन्फॉर्म कर दूँ, ताकि आप तैयारी में लग जाओ और आप अपना एक सीट अचीव कर पाओ। और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए, आज आ गई हूँ न्यू डिटेल वीडियो लेके, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर होने वाला है। अगर इंटरेस्टेड है आप जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि आरआरबी में टेक्नीशियन की नई रिक्रूटमेंट आएगी, और ये रिक्रूटमेंट किस बोर्ड के थ्रू कराया जाएगा? आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू। पहले ही आपको बताया था कि 10,000 के अप्रोक्स सीट्स आएगी, तो लीजिए आपका 9,000 सीट्स पर वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन अभी शॉर्ट नोटिस आया था जिसमें बताया गया कि फरवरी 2024 में आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल रिलीज कर दिया जाएगा। अप्लाई की डेट की अगर बात करें तो मार्च में फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर अप्रैल 2024, क्योंकि ये लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। आपको क्या इंतजार करना है? मार्च तक का। मार्च में फॉर्म ऑनलाइन होगा, आप अप्लाई कर देना। साथ ही साथ फ्रेंड्स, वो जो नोटिस आई है उसमें एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक आपका CBT 1 का एग्जाम चलेगा। अब रही बात की फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा। जनरल OBC एंड EWS इनसे 500 रुपीज लिया जाएगा। SC ST फिजिकली हैंडीकैप पर्सन और फीमेल से 250 रुपीज यहाँ पर लिया जाएगा। ये आपका जो फी होता है ना, ये रिफंडेबल होता है। जो भी बच्चे एग्जाम में बैठेंगे उनका 500 में से 400 और जिनसे 250 लिया जाएगा उनको 250 वापस कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि एज लिमिट कब से कैलकुलेट होगा। योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st July 2024। मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 33 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। रिलैक्सेशन मिलता है OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को भी 5 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी, पहले एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें मुझे ऐसा जानकारी नहीं था, जैसे नॉर्मली 18 से 30 वर्ष टेक्नीशियन की एज होती है, तो मैंने वही बताया था। तो बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था कि क्या ALP में जिस तरह से 3 ईयर्स का दिया गया है एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर भी मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अभी रेलवे का जो भी वैकेंसी आएगी सब में आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो पहले जैसे था 18 से 30 वर्ष, तो जनरल का 18 से 33 वर्ष हो गया। रिलैक्सेशन OBC को 3 इयर्स का जो मिलना था, अब समझिए 6 वर्ष का मिलेगा। SC ST को 8 वर्ष का मिलेगा, क्योंकि 3 साल एडिशनल जनरल को भी मिलेगा। तो आई होप कि ये रिलैक्सेशन वाला जो आपका कंफ्यूजन था दूर हो गया होगा। अब क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए 3 तरह से लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सब होना चाहिए, किसी एक कैंडिडेट्स के पास वही एलिजिबल रहेंगे। आइए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्वालिफिकेशन की डिमांड है। फर्स्ट आपका ये है कि जिन्होंने 10th कर रखा है और ITI भी किया है वो एलिजिबल रहेंगे। सेकेंड, वो कैंडिडेट जिन्होंने 12th में मैथ और फिजिक्स लिया था वो एलिजिबल है। और थर्ड, कि अगर किसी ने डिप्लोमा किया है 3 साल वाला तो वो भी एलिजिबल रहेंगे। तो तीनों चीज किसी एक कैंडिडेट में होना जरूरी नहीं कि सब कैंडिडेट्स के पास इतना सारा क्वालिफिकेशन हो, तीनों में से कोई एक जिनके पास है वो सब एलिजिबल रहेंगे। आगे देख लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। आपकी सिलेक्शन बहुत ही सिंपल है, 2 स्टेज पे एग्जाम होगा, थर्ड आपका DV एंड मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज पे CBT 1 मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1 पास करने के बाद
कंप्यूटर आधारित परीक्षा दो होगी, उसके बाद आपका जो क्वालिफाई करेंगे सीबीटी टू को उनका आएगा क्या डीवी अन मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए ज्वाइनिंग लेटर की तरफ हम लोग अपना पहला कदम बढ़ाते हुए यहाँ देख लेते हैं कि सीबीटी वन का क्या एग्जाम पैटर्न है। फ्रेंड्स सीबीटी वन में आपका 75 प्रश्न होगा 75 नंबर के लिए, मतलब कि पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलेंगे। टाइम विल बी 1 आवर, मतलब 1 घंटे की पेपर है। निगेटिव मार्किंग भी है, तो बी केयरफुल बी अवेयर, अच्छे से क्वेश्चन टिक करना है। 1/3 का निगेटिव मार्किंग यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, जनरल साइंस का आपका वहाँ पर 20 क्वेश्चन हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, मतलब सामान्य अध्ययन और जो करेंट अफेयर्स है उसको मिक्स करके देखें तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए होगा। सो दिस इज योर ओवरऑल सीबीटी वन एग्जाम पैटर्न। इसमें जो क्वालिफाई करेंगे वही आगे बढ़ेंगे सीबीटी टू की तरफ। तो देखिए सीबीटी टू भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, 2 घंटे 30 मिनट का टोटल पेपर होता है, जिसमें 2 पार्ट होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो चलिए देखते हैं दोनों ही पार्ट में क्या टाइमिंग है, कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पहले पार्ट ए देख लेते हैं, इसमें 100 क्वेश्चंस है 100 मार्क्स के लिए, इसमें भी पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेंगे। टाइम 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का पार्ट ए होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। अब सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स दोनों को कंबाइन करके 25 क्वेश्चंस होंगे। तो ये तो आपका पार्ट ए होता है, और जो पार्ट बी होता है ना उसमें आपको 75 यानी 75 प्रश्न रेलेवेंट ट्रेड से पूछा जाएगा, मतलब जिस ट्रेड से आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 75 प्रश्न होंगे। समय रहेगा 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो ये दोनों मिला के 2 घंटा 30 मिनट का होगा, और यही पार्ट आपका जो है कट ऑफ डिसाइड करेगा इसमें जितना स्कोर करोगे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो फिर आपको अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि कहाँ पर जॉब लोकेशन रहेगा। देखिए ऑल ओवर इंडिया के लिए आएगा, जोन वाइज वैकेंसी निकलती है, तो अप्लाई करते टाइम आप जिस जोन के लिए अप्लाई करोगे अगर वहाँ का कट ऑफ आप पार कर लेते हो उससे हायर मार्क्स है तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्जाम की रही बात तो आप जिस जोन के लिए अप्लाई करोगे वहाँ का सिटी चूज करना होगा। अगर आप अपने जिस स्टेट में हो वहाँ के जोन का आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपके नियर बाय सिटी में ही एग्जाम देगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि आपको सैलरी क्या दिया जाएगा जब आप जॉब में सर्व करोगे। तो स्टार्टिंग सैलरी विल बी 19,900 रुपीज, मतलब 20,000 से शुरुआत की जाएगी। आफ्टर पर्स अलाउंसेस 35,400, मतलब आपका 35,400 आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी हो जाती है। आई होप कि ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक कैंडिडेट थे जिनका क्वेश्चन था कि इसका सिलेबस क्या होगा, इंजीनियरिंग वगैरह का टॉपिक है इससे रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो एग्जाम सिलेबस है ना वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, और इसका जो शॉर्ट नोटिस आया है वो भी अपलोडेड है। और तो मतलब जो भी आपको डाउट क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड करके एक बार देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।